आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें शॉर्ट भी है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम सेल को देखते हैं जिसमें हमें एक नेटवर्क ऑफ फाइबर नजर आता है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो ट्यूब्यूल का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो एक्सटेंड हुआ होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं जी एंडोप्लाज्मिक। एंडो मीन अंदर, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन ट्यूबुलर नेटवर्क। सो ट्यूबुलर नेटवर्क जो हमें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल के अंदर नजर आता है उस ट्यूबुलर नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इसकी जो हम कंपोजिशन देखते हैं ये ट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर, जो हम इसकी ट्यूबुलर नेटवर्क देखते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर है वो होती है सिस्टर्नी, ठीक है, ट्यूब्यूल्स और मटेरियल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उनको हम क्या बोलते होते हैं, सिस्टर्नी। यानी कि हम सिंपल में ये कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती है उस इंडिविजुअल ट्यूब, उस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी मिलकर जो है वो हमें कौन सी चीज को बनाती है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सो दिस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर बाहर जो साइटोप्लाज्म जो सारा हमारे पास मौजूद है उस सब के अंदर ये हमारे पास नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के सेंटर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कौन सी चीज है, ये मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है। यहां पर जो थ्रू आउट नेटवर्क हमें नजर आता है मेम्ब्रेन्स का, मैं बनाता हूं ये बनाने किस तरह, ये रफ आइडिया दे रहा हूं आउटर मेम्ब्रेन तक, इसको हम नाम देते होते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक्सटेंड हुआ हुआ है सिस्टम, और इंटरनली ये सेपरेशन ही बिल्कुल इंटैक्ट किया होता है इसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसके बाद इसकी फॉर्म्स, यानी कि इसकी टाइप्स और फॉर्म्स, इसको ड्रॉ कैसे करना है मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं। फॉर्म्स देर आर टू फॉर्म्स, इसकी टू फॉर्म्स होती हैं। नंबर वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको SER और इसको RER बोलते हैं, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ इस वजह से कहते हैं बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, रफ चीज होती है जिसके मलाइमियत नहीं होती, जो मलाइम नहीं होती, राइबोसोम्स इनके पास क्या होते हैं अटैच्ड, और इसके पास क्या है, ये मलाइम क्यों है, ये स्मूथ क्यों है, विदाउट राइबोसोम्स, ये क्या है, विदाउट राइबो
सोन्स. सो दैट्स व्हाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ. अब ये है, होते क्या है, ये कैसे आपने ड्रॉ कर लिया. सो इसी स्ट्रक्चर को मैं आगे यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. ये ग्रीन कलर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहले हम उसी को देखेंगे. अगर हम उसको ड्रॉ करें, ये ऐसे, वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है, वो मैं अब ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ये ग्रीन कलर में. दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर. दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर हम इसको क्या बोलते होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब कैसे ड्रॉ करेंगे वो जरा नोट करें. ऐसे, दिस इज सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है, ऐसे, ठीक है. थ्री पहले मैंने बना ली, ये टू, इसी तरह फिर आगे उसको कंजेस्टेड करते जाए, शेप बनती जाएगी, ऐसे ऐसे, ओके. थ्री ट्यूब्यूल, ये सिस्टर्नी, वन टू थ्री, फिर टू कर दी, फिर थ्री कर दी, फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है आपके पास, तो इसको हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं. और उसके बाद ये ऐसे ऐसे आपने एक्सटेंड जिस तरह मर्जी इसको करते हैं, ये. सो दिस इज ऑल नेटवर्क जो मैंने यहां से, और बाहर कौन सी चीज आ जाएगी, फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें दरमियान में जो एक्सटेंड हुआ है सिस्टम, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इसके ऊपर अब अटैच होते हैं राइबोसोम्स. ये मैं मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी चीज अटैच कर रहा हूं, राइबोसोम्स, ये ठीक हो गया. ये राइबोसोम मैंने अटैच कर दिए हैं उसके ऊपर. दीज आर दी राइबोसोमल अटैच्ड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो कौन सी टाइप होगी जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिसके ऊपर नहीं है राइबोसोम, उस टाइप को हम नाम देते होते हैं जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें दरमियान जो नेटवर्क ये फैला हुआ है उसको हम ये नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है. अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, अब इनके फंक्शंस को देखते हैं. इनके फंक्शंस को अब हम देखते हैं. सो फंक्शंस दो कैटेगरीज बना सकते हैं फंक्शंस की भी. नंबर वन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये शॉर्ट भी है. रफ के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है और राइबोसोम की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं राइबोसोम्स की वजह से, दे प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. जहां पे भी राइबोसोम होगा वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस. रफ का सिर्फ ये काम होता है, ठीक है. पहला ये, नंबर सेकंड, अगर हम दोनों की बात करें स्मूथ की भी और रफ की भी, इसका दूसरा फंक्शन ओवरऑल, या हेडिंग्स बना लें या सिर्फ एस सच लिख दें, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. जिस तरह हमारे अंदर स्केलेटन है ना, इनके अंदर ये एक्स्ट्रा एडिशनल ट्यूब्यूल है जिससे सेल बंद नहीं होता, वो एक्सटेंड रहता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, जिस तरह हमें स्केलेटन प्रोवाइड करता है हमारी सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट. नंबर थर्ड, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके लादा से शॉर्ट क्वेश्चन में फंक्शन आते होते हैं. नंबर वन, इन्वॉल्व इन कैटाबोलिज्म, यानी कि तोड़ फोड़ किसकी, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में उसका रोल है. कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, बायोमोलिक्यूल्स कौन सा तोड़ता है वो, लिपिड्स को. नंबर थर्ड, डिटॉक्सिफिकेशन ऐसी चीज है जो हम खाएं और वो हमारे लिए टॉक्सिक है, उसको कौन रिमूव करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय प्रोसेस. उसके बाद मूवमेंट ऑफ मटीरियल. देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. अगर तो सेल के अंदर चाहिए, ये जिस जगह पे चाहिए उसको मटीरियल को सेल के अंदर ही प्रोवाइड कर देंगे. अगर सेल के अंदर नहीं चाहिए,
ये उसको बाहर जो है वो रिमूव करवा देगा। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर मटेरियल की जरूरत है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक भेजेगा गोल्जी बॉडीज में, गोल्जी बॉडी पैक करती है, पैक करने के बाद सेल को पहुंचा देती है, वो यूज हो जाता है स्मूथ एंडो से गोल्जी बॉडी, फिर उसकी मटेरियल यूटिलाइजेशन होती है। अगर वो मटेरियल नहीं चाहिए तो उसको रिमूव कर देती है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल है। एंड वेरी लास्ट, जिस तरह हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में रोल है, यहां पर भी इसकी रोल है जी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी कि जो मैसेज आता है ब्रेन तक उसमें मेम्ब्रेन के साथ से ही गुजरता है, तो यहां से भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रोल प्ले करवा सकता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहां तक आज हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे, तीन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहां तक अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।